ओके, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी है। मतलब कि इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आज उसकी बेसिक थ्योरी, मतलब फ्रिंजेस की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, कंडीशन क्या है, वो पढ़ने लगे हैं। तो बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये उसकी डेरिवेशन है। देखो, मैंने आपको बच्चे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। जब एक लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, क्योंकि लाइट की वेव नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है, तो दूसरी वेव उसके ऊपर आके सुपर इम्पोज हो गई, ये दोनों इंटरफेयर कर गई, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ऐसे, ये रिजल्टेंट वेव बनी, इसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब पहले जितनी नहीं रहेगी, एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो नेट एनर्जी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो रिजल्टेंट वेव की एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन व्हेन टू वेव्स, जो दो कोहरेंट सोर्सेस से आ रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे कम फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। एक रिलेशन आपको पिछले लेक्चर में और पढ़ाया था, लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई बाय सॉरी फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π इंटू फाई। डेल्टा एक्स यहाँ से निकाल लिया, लैम्डा उधर चला गया, बाय 2π इंटू फाई। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो अब अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। बच्चे सपोज करते हैं एक सोर्स है एस, जिसमें से लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। उसके आगे हमने ऐसे दो स्लिट्स बना दी, सोर्स से पहले लाइट निकल रही थी लाइट वेव्स, फिर कार्डबोर्ड के अंदर दो होल कर दिए, एक इधर और एक इधर, ये जो बनती है इनको बोलते हैं स्लिट्स। अब स्लिट से बच्चे लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट सपोज यहाँ से निकली क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में और पी पॉइंट पे पहुंच गई। अब क्या हो रहा है, ये देखो लाइट यहाँ पर पी पॉइंट पर पहुंची। अब आप नोटिस करेंगे जितनी लाइट यहाँ तक पहुँची है उसका जो पाथ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पाथ लंबा है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ना सेंटर से, तो जो बचा हुआ है इतना वो इक्वल है, तो इस लाइट ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो अपने आप पाथ और फेज डिफरेंस जनरेट हो गए ना। अगर बिल्कुल सेम डिस्टेंस हो और एक क्रेस्ट से क्रेस्ट निकलेगी तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। बट अगर पाथ का डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, ये इसका पाथ ज़्यादा था, ये लंबा इसने डिस्टेंस कवर किया, तो उसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। उससे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट नहीं आएगी, ट्रफ के ऊपर ट्रफ नहीं आएगी, लाइट थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि एक को लंबा जाना है। तो हो सकता है एक लाइट पहले से ही शुरू हुई हो, वो ऐसे ऐसे चल रही हो, थोड़ा डिफरेंस जनरेट हो गया, तो इससे डेल्टा एक्स भी जनरेट हो जाएगा। उससे हम निकाल सकते हैं कि फाई कितना जनरेट होगा। तो अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि पी पे लाइट मैक्सिमा होगा और मिनिमा कब होगा। मैक्सिमा मतलब ब्राइटनेस आ रही है, मिनिमा मतलब अंधेरा आ गया, जो पैटर्न मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया भी था और ये हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अब तक कि मैंने एक एस सोर्स लिया मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि कोहरेंट सोर्सेज होने चाहिए तो लाइट सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, इसलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया जिससे वेवलेंथ लैम्डा की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और S1 और S2 जो स्लिट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस है इस सोर्स से, और वो कोहरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही हैं जिनसे लाइट जो है वो पी पॉइंट पे मिल गई है। तो हमने लेट किया जो फर्स्ट वेव है उसमें जो ऐसे लाइट ट्रेवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड ए है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड बी है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, लेट ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव विच आर एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स S1 एंड S2, एंड फाई बी द फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस जो सेकेंड वेव लीड कर रही है, सेकेंड वेव थोड़ी सी आगे है तो वो फाइव फेज से फर्स्ट वेव से लीड कर रही है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव y1 इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखी है फर्स्ट वेव की, और सेकंड की ये एम्पलीट्यूड है। ये बच्चे इक्वेशन हम 11th क्लास में पढ़कर आते हैं, ये 11th के 10th यूनिट में आपको पढ़ाई भी होंगी। तो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड बी लिखा, और साइन क्योंकि वो फाइव से लीड कर रही है तो वहाँ पर आ गया फाइव, दिस इज इक्वेशन टू। तो ये दोनों इक्वेशन से अब हम आगे कंडीशंस निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों का अगर हमें पता है वाई वन एंड वाई टू, तो जो वेव इम्पोज हो जाएंगी तो फाइनल वेव का कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी वाई वाई वन प्लस वाई टू। इनकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे देखिए, मैथमेटिकल स्टेप है, एक फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, पहले साइन ओमेगा टी फिर कॉस के साथ फाई प्लस कॉस ओमेगा टी फिर साइन के साथ फाई। ये आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। बच्चे आगे देखिए, इसमें भी साइन ओमेगा टी है और इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से मैंने साइन ओमेगा टी को कॉमन किया, ए प्लस बी, यहाँ से साइन ओमेगा टी बाहर निकल गया लेकिन इसके साथ कॉस फाई है, तो कॉस फाई ये वन ब्रैकेट प्लस कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई, ये बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, अब बच्चे ये जो टर्म है ए प्लस बी कॉस फाई और इधर है जो बी साइन फाई, इसको हम पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी साइन फाई को आर कॉस थीटा पुट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड है। जब ये एम्पलीट्यूड चेंज होंगे, मतलब सुपर इम्पोज होंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव है ये उसका एम्पलीट्यूड बनेगा। ठीक है, तो अब जो सेकंड टर्म थी बी साइन फाई इज इक्वल टू, वो होगा आर साइन थीटा के इक्वल। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड जब ऐड होंगे तो ही रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो हमने उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये अपनी तरफ से हमने एक स्टेप पुट किया है, और फेज भी बदल जाएंगे रिजल्टेंट वेव के, तो फेज और एम्पलीट्यूड को इस टर्म में लिखा है आर साइन कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये मैंने पुटिंग कर दी है, इस स्टेप को आर कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया आर कॉस थीटा, बी साइन फाई की जगह आर साइन थीटा, ये पिछले स्टेप में इन दोनों फैक्टर्स को पुट कर दिया है। तो वाई का आंसर क्या बना, वाई क्या है, रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट, ये आर साइन ओमेगा टी है, ऐसे लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जब आप इसे खोलेंगे देखिए यही बन जाएगा, साइन ओमेगा टी फिर कॉस थीटा फिर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो रिजल्टेंट वेव है वो सिंपल हार्मोनिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है आर और उसका फेज डिफरेंस है थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वेव एमिटेड बाय अ सोर्स एस वन। तो ये रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट निकल गई जब दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब हमने एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेव का, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दी, अब क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, चले एम्पलीट्यूड देखते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, हमने इनके एम्पलीट्यूड की स्केयरिंग और एडिंग करनी है। तो देखिए, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ए प्लस बी साइन फाई की स्केयर प्लस इसको स्केयर किया फिर इसको स्केयर किया दोनों को ऐड कर दिया, इसको स्केयर किया इसको स्केयर किया दोनों को ऐड कर दिया, बी स्केयर साइन स्केयर फाइव इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा।
अब देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 500। ओके बच्चे, ये जो स्टेप है ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस फाई है, कॉस फाई, ये मेरे से पुटिंग में ही एरर है, तो यहाँ पे कॉस फाई था तभी तो कॉस थीटा लिखा, और यहाँ पे साइन फाई था तभी साइन थीटा लिखा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी कॉस फाई का स्टेप है और यहाँ पे भी कॉस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2ab, वो फॉर्मूला लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसमें आर स्क्वायर कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ से ये और इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो भी 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है हमने निकाल लिया। अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे वो भी निकाल सकते हैं, सबको पता है जो इंटेंसिटी है दैट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये फाइनल की इंटेंसिटी, अगर मुझे आई ए लिखना हो, मतलब इंटेंसिटी ए फर्स्ट वेव की, तो वो ए स्क्वायर के इक्वल, आई बी बी स्क्वायर के इक्वल। तो आर को मैं क्या लिखूंगी, स्केयरिंग इस स्टेप में पुट कर रही हूँ, आर स्क्वायर की जगह आई, ए स्क्वायर की जगह आई ए, बी स्क्वायर की जगह आई बी, टू, अब ए है, ए लिखना है तो रूट लिखना पड़ेगा, आई ए आई बी कॉस फाइव। सो ये जो आंसर है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का है, ये रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का है, दिस इज फॉर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि लाइट वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो उनकी इंटेंसिटी सिंपली सम नहीं हो जाती इंडिविजुअल वेव की। अगर सिंपल ये आंसर होता, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी, मतलब एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है दूसरी ऊपर उसकी इम्पोज हो गई, तो दोनों की इंटेंसिटी को ऐड कर दो तो नेट आंसर ऐसा बन जाए। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म नहीं है। यस, चलिए मैं आपको ये बता रही थी कि जो इंटेंसिटी है वो दोनों को डायरेक्ट ऐड करके नहीं आती, सिर्फ कि फर्स्ट की इंटेंसिटी को ऐड कर दो और सेकंड की इंटेंसिटी को ऐड कर दो तो ही नहीं नेट इंटेंसिटी होती, एक एडिशनल फैक्टर है जो है 2√iAiBcos5। तो एक एडिशनल फैक्टर को मिला के रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आती है, तो इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम कंडीशंस अब डिराइव करने लगे हैं, जो मेन आर्टिकल की हेडिंग है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि इंटरफेरेंस तो हो रही है तो वेव कंस्ट्रक्ट कहाँ पे होगी, और डिस्ट्रक्टिव मतलब उसका एम्पलीट्यूड वगैरह सब कम कहाँ पे होगा। सो कंडीशंस पढ़ने लगे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चे वहाँ पे होती है जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अगर बढ़ जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव वेव है, क्योंकि इसमें क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आती है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आती है, तो इसमें इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। अभी मैंने इंटेंसिटी का एक स्टेप पीछे सॉल्व किया है, इंटेंसिटी का आंसर आता है आई आर इज इक्वल टू ए की इंटेंसिटी बी की इंटेंसिटी प्लस 2√iA iB and cos5। तो ये इंटेंसिटी बच्चे मैक्सिमम होगी ना, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस फाई इज मैक्सिमम, दिस कॉस फाई ये रूट से बाहर है, कॉस फाई रूट के अंदर नहीं है, कॉस फाई अगर मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है +1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब फाई वो 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, कॉस 2π पे एंड 4π पे। तो ये 0, 2, 4 इवन नंबर है, इवन नंबर को अगर मुझे जनरलाइज करना हो तो ऐसे लिखेंगे 2π साथ में m, m अगर 0 होगा तो 0 बन जाएगा, m अगर 1 होगा तो 2π बन जाएगा, m अगर 2 होगा तो 2 2 4 4π बन जाएगा, m अगर 3 होगा तो 6π बन जाएगा। तो टर्म्स को हमने जनरलाइज करके लिख दिया, पाई इज इक्वल टू 2m पाई, वेयर m इज इक्वल टू 0 1
2, 3। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब फेज डिफरेंस, ये फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपर इम्पोजिंग वेव, एक वेव दूसरी वेव से ऐसे सुपर इम्पोज कर रही है, तो अगर दोनों के बीच में जो फाई है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, एम इज कॉल्ड इंटीजर, 0, 1, 2, 3 वैल्यू है, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, 2 पाई का, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर फेज डिफरेंस निकल गया, अब मुझे निकालना है पाथ डिफरेंस। एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ये मैंने अभी आपको आते ही बताया था। ये देखो फाई इज इक्वल टू, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर फाई वाला लगा रही हूँ तो वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई मुझे पता है, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, फाई इज 2m पाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2m लैम्डा, 2 से 2 भी कैंसिल, m लैम्डा। तो फेज डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2m लैम्डा, 2m पाए, एंड पाथ डिफरेंस होगा m लैम्डा। दीज आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो इनको। फाई होगा 2m पाई एंड डेल्टा एक्स होगा m लैम्डा। तो दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब शो करेंगी? जब उनका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, लैम्डा का। ठीक है, क्लियर सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव कब होगी। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अक्कर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। इंटेंसिटी का फिर से वही फॉर्मूला लगाया, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी टू रूट आई ए आई बी एंड कॉस फाई। तो इंटरफेरेंस को मिनिमम करने के लिए कॉस फाई की वैल्यू शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो कॉस फाई मिनिमम, तो कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू इज -1, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है सबको पता है, कॉस -1 कहाँ पे होता है, 180 पे। तो पाई, यस पाई पे, 3 पाई पे, उसके बाद 5 पाई पे। तो ये हो गए ऑड नंबर 1, 3, 5। तो ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन बन जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड बन जाएगी। तो 2m इवन करने के लिए फिर 1 ऐड कर दो तो वो ऑड बन जाएगी। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये तो मैंने लिख दिया, साथ में पाई है, 1 पाई, यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई, वेयर एम इज 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, तो आगे इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। y का आंसर इसे 2m प्लस 1 इंटू पाई, अगर फाई पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस। रिलेशन हमें पता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, फेज डिफरेंस इज 2m प्लस 1 पाई, पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 2m प्लस 1। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस की भी और पाथ डिफरेंस की भी। ठीक है, ये हो गई डेल्टा एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2 है इसे बाहर निकाल दें, ये 2 का फैक्टर, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन, m प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो लैम्डा m प्लस हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये तो कंडीशंस हमने डिराइव कर ली, अगर कंडीशन के बाद हम मुझे बताना हो कि इंटेंसिटी बचेगी कितनी। जैसे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, यहाँ पे कॉस फाई को क्या पुट कर दिया, 1, तो आई आर का आंसर कितना आ गया, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2, ये तो 1 हो गया, रूट आई ए एंड आई
बी, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है, ये वाला। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रूट आई ए प्लस रूट आई बी इसकी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी जो ये पहले थी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सिमिलरली जो सेकंड स्टेप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसमें मैं कॉस फाई को जब माइनस पुट करूंगी तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो आई आर का आंसर कितना बचेगा, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी, जो टू ए बी का फैक्टर है वो माइनस हो जाएगा, टू रूट आई ए एंड रूट आई बी। इसे कैसे लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और ये इंटेंसिटी है ये वाली जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, ठीक है, क्लियर बच्चे।